अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। म्यूजिक तकरीबन तमाम लोगों की तरफ से पसंद की जाने वाली आर्ट की शक्लों में से एक है। जब म्यूजिक की बात आती है तो आजकल बहुत से बैंड स्टेज शो पेश करते हैं, ऐसा ही एक बैंड के-पॉप है। तो दोस्तों आज मैं आपको 10 फेमस के-पॉप बैंड्स के बारे में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चले बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 10, टी आरा ग्रुप। इनका ग्रुप कई मेंबर्स पर मुश्तमिल है लेकिन बदकिस्मती से ये तब्दील होते रहते हैं। साल 2011 में इन्होंने 2 गाने जारी किए, बो पीप और रोली पोली। इन गानों ने इनकी मकबूलियत में इजाफा किया क्योंकि उन्होंने जापान के साथ साथ कोरिया में भी कई अवार्ड जीते। बड़ी कामयाबी के बाद उन्होंने सेक्सी लव के साथ जिंदा मैक्वीन पर एक वीडियो बनाई। मजीद बरा टी आरा ग्रुप ने मगरबी और जापानी मार्केटों पर तवज्जा मरकूज करके बहुत से जेली ग्रुप बनाए हैं। नंबर 9, रेड वेलवेट। SM एंटरटेनमेंट के जरिए तख्लीक किया गया ये ग्रुप है। रेड वेलवेट 5 लड़कियों का एक कोरियन ग्रुप है। इनके नाम जोई, वेंडी, इरीन, येरी एंड सेलोगी हैं। बिलबोर्ड और टाइम की जानब से रेड वेलवेट को दुनिया भर में के-पॉप के मारूफ ग्रुपों में से एक समझा जाता है। उन्होंने अपनी हैरतअंगेज कोरियोग्राफी, मकबूलियत और कोरियोग्राफी के लिए बहुत से अवार्ड जीते हैं। इसमें एमनेट एशियन म्यूजिक एंड गोल्डन डिस्क न्यू आर्टिस्ट अवार्ड शामिल हैं। नंबर 8, वंडर गर्ल्स। वंडर गर्ल्स 2007 में सुर्खियों में आई थी, ताहम इन्हें टेल मी तक ज़्यादा शोहरत नहीं मिली। उन्होंने कोरिया के म्यूजिक चार्ट पर नंबर 1 मुकाम हासिल किया। इसकी वजह इनकी दिलकश धुन और सिग्नेचर डांस है। 1960 में उन्होंने नोबडी रिलीज किया जिसकी वजह से इन्हें 2009 में एक अमरीकी दौरे पर इंग्लिश वर्जन पेश करने का मौका मिला। नंबर 7, 17। ये बैंड ग्रुप SVT के नाम से मशहूर है। इसके 13 मेंबर्स हैं जिनमें जोशुआ, थीट, वर्नन एस, कोप, मिंग्यू, डाइनो, वोनवो, जियोंगन, जोनहोशी, डीके, सियोंगवान और वुजी शामिल हैं। चूंकि सिर्फ 13 मेंबर्स हैं, आप में से कुछ सोच सकते हैं कि बैंड को 17 का नाम कैसे मिला। 17 का नाम ग्रुप के मेंबर्स की औसत एज की निशानदेही करता है। जब टीम तश्कील दी गई थी तो इनकी उम्र 17 साल थी। नंबर 6, एक्सो। OSM एंटरटेनमेंट के जरिए तश्कील दिया गया और ये पहला कोरियन चीनी ग्रुप है जिसमें टीम के तमाम अरकान मेल हैं। ये ग्रुप चीन की मार्केट पर फतह हासिल करने के लिए तश्कील दिया गया था। नंबर 5, NCT। NCT की मुकम्मल शक्ल न्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है और इसके 21 मेंबर्स हैं। ये के-पॉप मशहूर लड़कों के ग्रुप में से एक है। इस ग्रुप के बारे में दिलचस्प फैक्ट ये है कि इसे कई सब यूनिट्स में तकसीम किया गया है। ये सब यूनिट्स दुनिया भर के कई शहरों में काम करती हैं। नंबर 4, सुपर जूनियर। सुपर जूनियर के-पॉप का सबसे बड़ा ग्रुप है और इसके 13 मेंबर्स हैं। ये साल 2005 में सुर्खियों में आया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पर 7 मिलियन से ज़्यादा लाइक्स हासिल कर चुका है। नंबर 3, BTS। BTS बियॉन्ड द सीन एंड बंगटन बॉयज़ के नाम से भी मशहूर है। ये पहला के-पॉप ग्रुप है जिसे अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने और बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स हासिल करने का मौका मिला। मजीद बरा ये पहला जनूबी कोरिया एक्ट था जिसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर तकरीबन 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, बिग बैंग। इस के-पॉप ग्रुप में सारे मेम्बर्स मेल हैं। ये 5 मेम्बर्स पर मुश्तमिल है यानी चोइसियोंग हियोन, टीओपी, कोंजियोंग, डी ड्रैगन, डोंगयंग आई, डोंगयंग हाई, डोंगयंग बाई, तायोंग, लीसियोंग हियोन, सियोंगरी और कोंग डी संग डेसिंग। ये बैंग टीओपी और जी ड्रैगन के मुतहरिक रैप के लिए मकबूल है। बिग बैंग ने 12 कंट्रीज में 8 लाख से जायद नाजरीन के साथ 8 लाख से जायद ऑडियंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस पेश की। नंबर 1, साई। वो साई या पार्क जे सॉन्ग इस गंगनाम स्टाइल की वजह से बहुत मकबूल है। नेज बैनुल्कवामी स्टेज पर 2012 में के-पॉप भी उन्होंने साल 2001 में अपना पहला एल्बम जारी किया और इसका नाम साइकोवर्ड से साई है। इसके बाद उन्होंने मुसलसल एल्बम जारी किए जिसमें 2002 में कोरिया जापान वर्ल्ड कप के दौरान एक हिट गाना चैम्पियन भी शामिल है। साल 2012 में उन्होंने एक उम्दा रक्स के साथ गंगनाम स्टाइल रिलीज किया। इस वीडियो गाने ने दुनिया भर में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जिसके नतीजे में YouTube पर 1.8 बिलियन व्यूज़ मिले। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अपने फेवरेट के-पॉप बैंड का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।